नमस्कार। सबसे पहले ये जो हमारी आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो हमारा है, हम मीडिया का शुक्रगुजार हैं स्टेट डिपार्टमेंट्स के कैजुअल लेबर मुख्तियार अहमद वानी एज ए चेयरमैन यूनियन कैजुअल लेबर्स का। जो स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जेएनके के अंदर जिसका चार्ज सेना साहब के पास अपने पास है, और जो हमारे जो मुलाजम है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी मुलाजम हैं ये लेडीज महिलाएं हैं और हम डेली वेजर ही हैं और ऐसे ही हैं हम। आज तक सरकार ने हमें कैबिनेट डिसीजन के थ्रू हम जेएनके में अपना काम जो अंजाम दे रहे हैं उसके बावजूद भी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हम यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मैसेज सेना साहब को, जिनके मतलब डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई भी अड़चन, बकाए वेतन भी नहीं है और कुछ भी मसले नहीं है, उसके बावजूद हमें मतलब हमारा आदाब नमस्कार। मैं स्टेट डिपार्टमेंट श्री मुख्तियार अहमद वानी कैजुअल यूनियन चेयरमैन सर, आपके सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज हमारा है, हमारा मेन मुद्दा यही है आज कि आपके मीडिया के माध्यम से हम ये मैसेज सेना साहब को देना चाहते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो हम काम कर रहे हैं अरसा 25-25-26 सालों से हम कैजुअल वर्कर जो हम काम अंजाम दे रहे हैं और हमें कैबिनेट डिसीजन के थ्रू हम काम कर रहे हैं, हमें कोई भी बकाया वेतन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद जेएनके के अंदर हमारे साथ नाइंसाफी की जाती है। मीडिया के माध्यम से हमारा जो मेन मैसेज यही है कि एक तो सेना साहब हमें अपॉइंटमेंट दे दें ताकि हम उनके साथ अपने डिपार्टमेंट का उनके सामने अपना प्रूफ डालेंगे, उसके बावजूद हमारी जो मिनिमम वेजेस एक्ट चलो वो तो नहीं मिला, अगर रेगुलर पॉलिसी हम SRO 64 के तहत अपना हक जो लेना चाहते हैं, हमारे अंदर जो डिपार्टमेंट के अंदर कोठियां हैं, जितने भी VIP बंगले हैं उनके अंदर स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो VIP कमिश्नर हो, IPS अफसर, जितने भी आला अहदेदारान हो उनके घरों में काम लिया जाता है, उसके बावजूद भी 25-25-26 सालों से हमारे परिवारों में हमारे बच्चे जो हैं खुदकशी करने के लिए तैयार हैं। अभी तक आज तक 25-25-30 साल गुजर चुके, जेएनके के अंदर हमें कोई भी इंसाफ नहीं मिला। एक ही मुल्क है, एक ही संविधान है, यहीं पर हमने रहना है, कब हमें वो वक्त आएगा, कब इंसाफ मिलेगा? हम आपके माध्यम से सेना साहब को यही अपील करना चाहते हैं, दो जोड़ के हाथ जोड़कर हम शो करना चाहते हैं आपके सामने। ये कैबिनेट डिसीजन हुआ है 2001 में, स्टेट डिपार्टमेंट का 450 एम्प्लॉइज है जम्मू श्रीनगर में, और इसके बावजूद भी कैबिनेट डिसीजन के थ्रू हम अपने अपने डिपार्टमेंट में काम अंजाम दे रहे हैं, और सेना साहब को ऐसे डिपार्टमेंट को क्यों नहीं रेगुलर कर रहे हैं, क्या अड़चन है?